सरकार पिछले 2 साल से हमारे पहाड़ की लोगों की जो आर्थिकी का एक एक मेन सोर्स है, रोजगार का एक मेन सोर्स है, वो है चारधाम यात्रा। खास तौर पे इस परिपेक्ष में जब ये कोविड की महामारी से प्रदेश और मेरी तरफ भी तरह से पड़ा है, एक जो आपदा है इसके कारण कई लोग वापस अपने घरों में आए हैं, उनके लिए रोजगार के भी साधन एक यही है। कोई आदमी सोचता था मैं ढाबा चलाऊंगा, कोई सोचता था मैं ठेला चलाऊंगा, कोई सोचता था मैं पूजा की सामग्री बेचूंगा। चारधाम यात्रा के शुरू ना होने के अभाव में ये सब लोग बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। सरकार से निवेदन यह है कि तुरंत चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू करनी चाहिए। जो माननीय उच्च न्यायालय है वहां पे सरकार की पैरवी और मजबूत होनी चाहिए, लगता है कुछ कमजोर है। और इस प्रदेश में जब हम सब के सब जानते हैं कि हमारी आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी पर्यटन है, हम इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? जब हमारा बिल्कुल बगल वाला प्रदेश हिमाचल है, वहां पे सब कुछ खुला हुआ है, तीर्थाटन भी और पर्यटन भी, हमारे यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है? ये एक बहुत चिंता का विषय है। हम अप्रैल के माह से बार बार चिट्ठियां लिख रहे हैं, बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जितने हमारे कर्मचारी हैं उनको कम से कम 6 महीने का वेतन, हमारे हाउस टैक्स, हमारे विभिन्न लाइसेंसेस, हमारे बिजली के पानी के बिलों में हमें रियायत देनी जरूरी है, नहीं तो पूरा पूरा पर्यटन उद्योग बैठ जाएगा। चाहे वो गाड़ी वाला हो, गाड़ी वालों का रोड टैक्स माफ होना चाहिए, जो दुकानदार है दुकानदारों को रियायतें मिलनी चाहिए, दुकानदारों को भी आर्थिक सहायता की जरूरत है, सस्ते लोन मिलने चाहिए। इन सब चीजों पर सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत एक चिंता का भी एक बहुत दिक्कत आने वाली है पूरे उत्तराखंड में।